मुझे लग रहा है कि कॉलर ट्यून इस आपके कॉलर ट्यून पे बहुत जल्दी नज़र आएगा लोगों के, क्योंकि एक इतना हम कॉलर बैक ट्यून्स को प्रमोट करते हैं, तो उस जो चीज़ हमें इतनी खुशी देती है आज इतने सालों से, 5-6 सालों से, 7-8 सालों से एक्चुअली, कॉलर बैक ट्यून्स कितनी बड़ी चीज़ हो गई, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन उस पर कभी कोई गाना ही नहीं बना। तो बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि ऐसा होना चाहिए, और समीर जी के साथ फिर ये गाना वर्कआउट किया, साजिद भाई को सुनाया, उनको भी बहुत पसंद आया, एक 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 मिनट में पसंद आ गया एंड गाना शुरू होता है ऑटोमेटिक। और आज अगर आप एक 7-8 दिन ही हुए प्रमोशन शुरू होने को, बट दिस लाइन, मुझे अपनी बना ले कॉलर ट्यून सोनिए पा 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 पा, तुझे चाहू समर विंटर मानसून सोनिए पा 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 पा, तुझ सा हसी मैंने देखा ही नहीं, तेरी हर एक कदम में कोई जादू है, तेरे चेहरे का नूर मुझे देता है सुरूर, मेरा होश में भी दिल बेकाबू है, तू मेरा है नशा राम, तू मेरा है जुनून पा 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 पा। तो कॉलर ट्यून लगाइए अभी, ये जब आप ये देख रहे हैं। डेफिनेटली नहीं, म्यूजिक तो म्यूजिक कंपोज करना मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है, सिंगिंग ने मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस दी है, और एक्टिंग मेरा पैशन है, और अभी आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ की वजह से इतने क्रिटिक्स ने और इतने अच्छे कलेक्शंस एक्सपोजे के आए हैं, अभी सबके सामने ही आ चुके हैं, आज ट्यूसडे है, तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम थैंकफुल टू यू, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू डू अबाउट 1 फिल्म ईयर एज एन एक्टर, बट एज अ कंपोजर आई विल बी डूइंग 4-5 फिल्म्स वेरी एक्सक्लूसिवली। जितना पहले उतना ज़्यादा काम करता था उतना नहीं करूँगा, क्योंकि अब 115 फिल्में हो गई, तो जितना हो सके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अब एक्सपोजे का म्यूज़िक इतना पॉपुलर हुआ है, कॉलर ट्यून ऑलरेडी हिट हो गया है, बट बाकी गाने हम शकल्स के आपको देखना, एक एक गाना ऊपर जाएगा। अभी पिया के बाजार हमने लॉन्च किया है, हम पागल नहीं है भैया, और जस्ट लुकिंग टू माई आइज़, ये सारे गाने हम बहुत कॉन्फिडेंटली, और जब बहुत कॉन्फिडेंस होता है तभी मैं आके ये कह सकता हूँ कि प्लीज़ इस गाने को जल्द से जल्द सुनिए, क्योंकि हमारी रिलीज़ नज़दीक आ रही है, और मैं चाहता हूँ कि जून में जब डायलॉग प्रोमोज हो उससे पहले ये म्यूज़िक उस लेवल पे पहुँच जाए, जो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं जब भी देखा है कि जब मैंने मीडिया से या किसी से कहा है तो उन्होंने हमेशा मेरी इल्तिजा मानी है, और इस म्यूज़िक में मेरा बहुत बिलीफ है। तो जून में डायलॉग प्रोमोज खोलने वाले हैं, और मुझे लगा समहाउ विंडो जो प्रमोशन की है इस फिल्म के लिए थोड़ी सी कम है, तो मैं चाहता हूँ म्यूज़िक जल्द से जल्द पॉपुलर हो जाए, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि लॉन्च भी यहाँ रेडियो सिटी पे होना चाहिए, एंड यू लव द सॉन्ग्स ऑफ फंक्शन। आपको नहीं लगा कि एक्टिंग करने के बाद एक्सपोजर ने तो एक लीड रोल देना चाहिए? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, आई एम श्योर वन डे समवेयर वी विल वर्क टुगेदर, बट ही नोज दैट ही डज 1 फिल्म अ ईयर, आई नो आई डू 1 फिल्म अ ईयर, आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन आई सॉ एक्सपोजर, और मैं सच बोलूँगा मेरा दोस्त है हिमेश, बट मैं अपने 6-7 मेरे असिस्टेंट्स हैं, उसमें से 18-20 साल के 2-3 बच्चे हैं, उनको भी तो देवर शोइंग में देवर हिमेश के ऊपर जोक्स आ रहे हैं, हिमेश के ऊपर जोक्स आ रहे हैं, तो वो माइंड फ्रेम के साथ गए थे पिक्चर देखने। जब पिक्चर खत्म हुई उनका पूरा नजरिया बदल गया टूवर्ड्स हिमेश, ही इज अ गुड एक्टर यार, द फिल्म वॉज नॉट बैड यार, द फिल्म में मजा आया, यू सी। तो पीपल जब वो देख रहे हैं और जब बाहर आ रहे हैं, so they are not cracking jokes anymore or they are not saying negative thing, because at the end of the day even I found Expose not to be the greatest film ever, but it was a very good time pass film, and that's what I told him, I said maza aa gaya picture dekh ke, not because I know him as a friend but because I as an audience I enjoyed the film. Sahil, aap se jaanna chahenge, first look mein humne dekha ki 6 heroes hai aur sirf 3 heroine hai, to kaise pairing match karne wale? Wohi to mazedar cheez hai picture ki, wohi to screenplay ka maza hai। ईशा गुप्ता और तमन्ना ऑपोजिट 2 सैफ्स है, बिपाशा ऑपोजिट 1 रितेश है, बट फिर 1 सैफ है, 1 रितेश है, और राम कपूर एक्चुअली इज अ कैरेक्टर एक्टर इन द फिल्म, हु इज ऑल्सो अ बैड गाय, ही इज ऑल्सो अ मैड गाय, ही इज ऑल्सो अ सैड गाय, सो अब जब देखेंगे तो सब पत्ते खोलेंगे। बहुत मुश्किल था मेरे भाई, ये मेरी पहली पिक्चर है, 7 साल मेरे करियर को हो गया, 2007 में ये बेबी आई थी, पहली पिक्चर है जहाँ पे मेरा वेट, मेरा वजन बढ़ा नहीं, 20 किलो कम हो गया, धीरे धीरे, तो तू सोच खून निकाला मैंने अपना खून। सर,
साजिद, जब आपकी फिल्म आई थी हिम्मत वाला, तो आपने कहा था कि ये बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ का बिजनेस करेगा। मैं देखिए क्या होता है, मैंने पागलों के ऊपर पिक्चर इसलिए भी लिखी है क्योंकि उस वक्त मैं पागल हो गया था, लेकिन जब झटका लगता है ना तो वो झटका मुझे सर पे फटके की तरह लगा। नहीं, मैं इस बार कोई फिगर्स के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं आपको बेस्ट फिगर बताता हूँ, मेरा फिगर था 108 किलो, नाउ आई एम 87 किलो। दैट्स द ओनली फिगर आई टॉक अबाउट। नो, आई एम नॉट गेटिंग बटरफ्लाइज इन माय स्टमक, आई नेवर गेट नर्वस, आई गेट वेरी एंग्शियस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग नर्वस एंड बीइंग एंग्शियस। आई एम एक्सट्रीमली एंग्शियस बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स लाइक यू स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम्स and you give your exams and you get nervous when you have not studied for your exams, ke, oh god please make me pass, but you get anxious knowing that what grades am I going to pass with. So I'm very anxious knowing that I know people will enjoy this film because it's my it's me at my comedic best, but at the same time I'm also anxious to know how much will they enjoy. I personally, whatever I've seen about the film and almost dekha hua hai maine, to main ye keh sakta hu ki jo upmarket youth hai और जो फैमिलीज हैं, ये दोनों की कॉम्बिनेशन की फिल्में बहुत कम आती हैं। अपमार्केट यूथ की, सैफ साहब की फिल्में बहुत आई हैं, बट उसके साथ एक फैमिली वैल्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट एंड सबसे बड़ी चीज़ जो इन्होंने अपने टैगलाइन में यूज़ करने वाले थे, पता नहीं क्यों नहीं की जब हमने डिस्कस की थी फिल्म सब, कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। वो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमशक्ल्स अगर वो देखेंगे तो वो अपने उस मोमेंट के लिए कम से कम, शायद एक हफ्ते तक तो नहीं लेकिन उस दिन के लिए तो डेफिनेटली भूल जाएंगे, उतना एंटरटेनमेंट है उसमें। और क्लीन एंटरटेनमेंट, इट्स क्लीन स्ट्रेस बस्टर, स्ट्रेस बस्टर, यू आर गोना हैव अ गुड टाइम। आई एम एंग्शियस, नॉट नर्वस, एंग्शियस, या आई होप पीपल एंजॉय द फिल्म। साजिद भाई, इज सर ओनली कॉमेडी और यू आर गिविंग गोइंग टू गिव सम मैसेज टू द सोसाइटी? सर नो सर, इफ आई हैव टू गिव अ मैसेज आई विल सेंड यू थ्रू माय SMS। नो मैसेज, माय ओनली मैसेज इज सर, इतना स्ट्रेस है हम लोग सब लोग की लाइफ में यार, दो ढाई घंटा अगर अपने को क्लीन एंटरटेनमेंट, हैप्पी एंटरटेनमेंट मिल जाता है तो वो एक मैसेज ही हो गया ना सर। अगर आप किसी का दुख बुला सकते हो दो ढाई तीन घंटे के लिए और उसको खुश कर सकते हो, मेरे हिसाब से वही बेस्ट मैसेज हो गया ना। आई थिंक हिमेश के हमशक्ल्स भी हिमेश को देख के शॉक हो जाएंगे कि हिमेश इतना पतला कैसे हो गया। सीरियसली, एंड जब यू नो एक दो जगह पे मीडिया में मेरे दोस्तों ने कहीं ना कहीं लिखा साजिद खान हमशक्ल, तो मैंने हाथ जोड़ के बोला प्लीज डोंट राइट, आई डोंट हैव अ वेरी गुड लुकिंग फेस, यू नो साजिद खान की फिल्म हमशक्ल, डोंट राइट साजिद खान हमशक्ल, तो कोई आएगा नहीं देखने को, इसके हमशक्ल किसको देखना है। सो वी आर डन, थैंक यू सर। यस, थैंक यू। भाग के गया तो कैसे मिलेगा, पता तो लगे ना, जा रहा नहीं कर पाऊँगा या सेल नहीं करूँगा या सुन पाऊँगा बात तो क्या है। चले तो हो जाए, तो हो गया, चले तो हो जाए, सीरियल में लाएगा ना, काम करा, थैंक यू।